नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। भारत चीन के बीच बातचीत का दौर जारी है। इस बीच LAC पर फायरिंग को लेकर बड़ी खबर आई है। अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक दोनों देशों के सैनिकों के बीच पेंगोंग झील में 100 से 200 राउंड फायरिंग हुई थी। हालांकि ये आमने सामने की फायरिंग नहीं थी, ये हवाई फायरिंग हुई थी। ये घटना तब हुई थी जब 10 सितंबर को मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और उनके चीनी समकक्ष वांग यी की मुलाकात होने वाली थी। सूत्रों से सामने आई रिपोर्ट के मुताबिक ये फायरिंग चुशुल सब सेक्टर में हुई गोलाबारी से भी ज़्यादा तेज थी। इस पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए एक सरकारी अधिकारी ने बताया कि ये घटना पेंगोंग सियो झील के उत्तरी किनारे पर हुई। वहीं 10 से पहले 7 सितंबर को चुशुल सब सेक्टर में हुई फायरिंग को लेकर भारत और चीन ने एक बयान जारी किया था। सामने आए इस बयान के मुताबिक 45 वर्षों में ये पहली बार था जब लाइन LAC पर गोलाबारी हुई। इसी कड़ी में भारतीय सेना ने अपने एक बयान में कहा था, 7 सितंबर यानी सोमवार को चीनी सेना के सैनिक लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत के एक पोजीशन की तरफ बढ़ने की कोशिश कर रहे थे और जब हमारे सैनिकों ने उन्हें भगाया तो उन्होंने हवा में कई राउंड फायरिंग कर हमारे सैनिकों को डराने की कोशिश की। इसके चलते इससे पहले चीन ने दावा किया था कि सोमवार को भारतीय सैनिकों ने एक बार फिर गैर कानूनी तरीके से LAC को पार किया और चीनी सीमा पर तैनात सैनिकों पर वार्निंग शॉट्स फायर किए, लेकिन पेंगोंग सियो के उत्तरी किनारे पर 100-200 राउंड फायरिंग हुई। फायरिंग के बारे में दोनों देशों ने आधिकारिक तौर पर कुछ भी नहीं कहा है, जबकि ये फायरिंग चुशुल सब सेक्टर पर हुई फायरिंग से कहीं ज़्यादा भयानक थी। बता दें कि 29 और 30 अगस्त को पेंगोंग के दक्षिणी हिस्से में चुशुल सब सेक्टर में चीन की घुसपैठ की कोशिशों को भारत ने विफल किया था। कई जगहों पर इस समय भारत और चीन के जवान 300 मीटर की दूरी पर हैं। जिस जगह पर फायरिंग हुई, बताया जा रहा है कि वहां पर जवान बस 500 मीटर की दूरी पर हैं। आपको बता दें कि PLA जवान इस समय फिंगर 4 की चोटियों पर बैठे हैं। फिंगर 4 फिंगर 8 से 8 किलोमीटर दूर पश्चिम में है। भारत यहां तक LAC मानता है, लेकिन चीन सिर्फ फिंगर 4 तक ही LAC की मान्यता देता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।